दोस्तों, सेंटीपीड यानी कन खजूरा इस पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। सूत्रों की माने तो इन जीवों के कुछ जीवाश्म भी पाए गए हैं जो 400 मिलियन वर्षों से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये कन खजूरे दुनिया के लगभग हर हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये उष्णकटिबंधीय वाले जगहों में पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके आकार की, तो सामान्य कन खजूरे जो हम अपने घरों के आसपास देख लेते हैं वो लगभग 1.5 से 2 इंच तक लंबे होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कन खजूरों की बड़ी प्रजातियां भी पाई जाती है जिनका आकार लगभग 12 इंच तक होता है। अगर ये कन खजूरा किसी को काट ले तो उसे चोट लग सकती है, लेकिन उसके मुंह में जहर नहीं होता बल्कि इसके खतरनाक पंजों में जहर होता है। अगर ये अपने शिकार को पंजों में जकड़ ले तो थोड़ी ही देर में उसे लकवा मार जाता है। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो उस दुनिया में इनकी लगभग 8,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कन खजूरों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कन खजूरे एक ऐसे जीव हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब इनके मिलन का समय आता है तो ये अपने साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जैसे ही इन्हें कोई साथी मिल जाता है, उसके बाद ये दोनों कन खजूरे जिनमें एक नर और मादा होती है, ये दोनों अपने एंटीनास और पंजों की मदद से एक दूसरे का परीक्षण करते हैं। ये ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि इन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए कि मिलन के दौरान इन्हें एक दूसरे से खतरा तो नहीं। और जैसे ही इन्हें इस बात की तसल्ली हो जाती है, उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। ये मिलन तब तक चलता है जब तक नर अपना सारा स्पर्म मादा के शरीर में ट्रांसफर नहीं कर देता। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, और इस दौरान मादा नमी और अंधेरे वाले जगहों की तलाश करती है जहां ये अपने अंडे दे सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन कन खजूरों को अंधेरे और नमी वाले जगह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जहां ये अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो आपने अभी अपने घर के आसपास कोई भारी चीज़ या बड़े पत्थर को ज़रूर हटाया होगा, जिसके पीछे आपने कॉकरोच और इन कन खजूरों को ज़रूर पाया होगा। और जैसे ही आप किसी चीज़ को हटाते हैं, ये तुरंत वहाँ से भागकर फिर से किसी दूसरी चीज़ के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा से ही ऐसे ही जगहों में रहना पसंद करते हैं। तो जैसे ही इन्हें कोई नमी या अंधेरे वाली जगह मिल जाती है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने अंडे दे रही है। इनके अंडे बहुत ही छोटे और गोल होते हैं, और ये एक बार में 25 से 30 अंडे दे देती है। तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अपने अंडों पर कुंडली मारकर बैठ जाती है ताकि कोई दूसरा जीव उसके अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। और ये ऐसा तब तक करती है जब तक अंडों से बच्चे बाहर ना आ जाए। आपको बता दूं कि बच्चों को बाहर आने के लिए 2 से 3 हफ्तों का समय लग जाता है, और जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है, उसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं, और इन बच्चों को निम कहा जाता है। तो जैसे ही इन बच्चों का जन्म हो जाता है, तो ये बिल्कुल वयस्क कन खजूरों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें बहुत से अंगों का विकास होना बाकी होता है, जिसके बाद ये छोटे मोटे कीड़ों को खाना शुरू करते हैं, और बढ़ते समय के साथ ये अपनी त्वचा को भी बदलते रहते हैं। आपको बता दूं कि ये 5 से 6 बार अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं, जिसमें 1 से 2 महीनों का अंतर होता है। और जब जब ये अपनी त्वचा को बदलते हैं, तब तब इनके नए अंगों का विकास होता है। और जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता जाता है, ये बड़े कीड़ों को खाना शुरू करते हैं, और इस तरह ये 1 से 2 सालों में
पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। जिसके बाद ये फिर से अंधेरे और नम जगहों को ढूंढकर अपना बसेरा बनाते हैं और शिकार करने के लिए ये ज़्यादातर रात में ही सक्रिय होते हैं। और जब ये शिकार करते हैं तो ये पत्तों के बीच या चट्टानों के नीचे छिपे रहते हैं। और जैसे इनके मिलन का समय आता है तो ये अपने साथी को ढूंढकर फिर से मिलन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर इनके जीवन चक्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल 5 से 6 वर्षों का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।